अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, यानी कि इसके ओवरऑल चीज़ें बनाई थी, जैसे शूज़ हो गए, पैंट हो गई, लेग्स, पैंट लेग्स एक ही में आ गई, और हमारी शर्ट अपर बॉडी। तो ये हमने तीनों चीज़ें बना ली थी और अब हम इसके बनाएंगे आर्म्स और हेड, जैसा कि मैंने कहा था। और अब हम पहले इसके आर्म्स बनाएंगे, फिर हेड बना के उसमें पूरे में टेक्सचर करेंगे। तो चलिए आइए। अब हमने इसमें सबसे ज़्यादा सिलेंडर ही यूज़ किया है, यहाँ पे भी, यहाँ लेग्स में भी, इवन की शर्ट्स में भी सिलेंडर ही यूज़ किया है। अब मैं बाजुओं में भी सिलेंडर ही यूज़ करने वाला हूँ और हेड में देखूंगा कि कौन सी शेप यूज़ हो। वैसे मेरे ख्याल से सर्कल ठीक है, वो सॉरी स्फीयर ठीक है। अब पहले इसमें इंसर्ट कर लेते हैं, पहले इसको एडिट मोड में लेके जाएं, फिर इसको थोड़ा नीचे रोटेट करें, वो भी थोड़ा क्लोज चलेगा। और इसको अब हम इनके ये फेसेस को करेंगे इंसर्ट। थ्री दबाया, इंसर्ट फेसेस, ज़रा ज़रा सी इंजेक्शन डाली, मतलब इनको थोड़ा सा इंसर्ट करना है। अब इसको एक्स और वाई एक्सिस स्पेस या फिर इंसर्ट ही ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इनके आर्म्स बनाना। साइड पे लेके शिफ्ट और डाला अब सिलेंडर GAZ। साइड व्यू में के GZX और अब GX। इसको करेंगे हम एस जेड एक्सिस पे थोड़ा सा करेंगे, इतना या फिर थोड़ा सा कम। एस जेड इतना। अब इस पे डालेंगे लूप कट्स, राइट क्लिक या फिर एडिट मोड में जाके फिर इस पे डालेंगे हम लूप कट्स। कंट्रोल और इसमें डालेंगे दो लूप कट्स। यहाँ यहाँ पे अब इन ये जो फेसेस हैं इसके दरमियान, अब इनको हम करेंगे स्केल। और अब जो इनकी साइड वाले हैं, यानी एजेस हैं जो इसके, अब हम इनको करेंगे बेवल। कंट्रोल बी, अब खींचा थोड़ा सा। अब यहाँ बीच में डालेंगे एक और ऊपर डाल, ताकि थोड़ी गोल शेप आए, राउंड शेप आए बीच में। कंट्रोल आर एक और बस, एस बिल्कुल ऐसी। और अब हम जाते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में, इसको थोड़ा करते हैं छोटा, ऊपर से मोटा करते हैं और नीचे से पतला करेंगे। अब एक्सरे मोड में जाते हैं, तो साइड व्यू में अब इसको सेट किया और एस और इस
इस साइड में छोटा, और अब इस वाले लाइन को यानी इस वाले एजेस को थोड़ा सा स्केल करेंगे और इनको भी कर देंगे बेवल, थोड़ा सा बेवल करना, जिससे अब सही राउंडेड शेप आ गई है। अब हम इसको दे देंगे शेड स्मूथ, शेड और ऑटो स्मूथ, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले शर्ट के बाजू से हल्का सा छोटा रखना है, इधर जी जेड, ओके, आर वाई जरा सा, और अब हम इसको डुप्लीकेट करके एक और ऐड करेंगे, शिफ्ट डी जेड नीचे और यहाँ पे। अब इसको पतला करके थोड़ा सा एस एक्सिस पे लंबा कर लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा करना, और एस जेड एक्सिस पे डी जेड, इनमें हम थोड़ी सी कूनी देंगे, यानी कि इसकी थोड़ी एल्बो शेप बनाएंगे। अब इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है साइड व्यू में, और एक्स हल्का सा यहाँ पे, और इसको भी हल्का सा आर और एक्स, नाम जी इधर और ऊपर, अब इनको करेंगे हम सेलेक्ट, डबल सेलेक्ट करेंगे। अब इनको लेके जाएंगे एडिट मोड के अंदर, अब एक्सरे मोड में जाते हैं और साइड व्यू में, और अब इनको सेलेक्ट करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करेंगे, और अब यहाँ से जी और वाई एक्स करेंगे, इस सर्कल को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे, और अब यहाँ सेंटर वाले बिल्कुल दो जहाँ से ये जुड़े हैं उनको करेंगे वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे बैक पे। अब मैंने इसकी दोनों आर्म्स को पेरेंट कर दिया है, जैसे इसको इससे पेरेंट किया है और इसको इससे पेरेंट किया है। अब मैं इसको मूव करूँगा, यानी आर एक्स करता हूँ, ये पूरा मूव होगा, और इस बाजू को मूव करूँगा, ये पूरा बाजू मूव होगा, और ये हमारा पूरा फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसको ओरिजिन सेट कर देते हैं 100 में रहने देते हैं सब, और अब हम इसका हैंड बनाएंगे जो कि स्फीयर से बनेगा। ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस हैंड्स और फेस रह गया। इसकी पहले फिंगर्स बनाएंगे,
उसको थोड़ा सा स्केल करेंगे। और अब हम इसको साइड व्यू में जाके GZ, और अब हम इस व्यू में जाके GX Y, सॉरी इधर टॉप व्यू में जाके GX GY थोड़ा सा साइड पे जाते हैं। इसको हम करते हैं मजीद छोटा, और अब हम इसको लेके जाते हैं एडिट मोड में। और अब हम एक्सरे मोड में गए, और अब हम इसको करेंगे हाफ सेलेक्ट और करेंगे एक्सट्रूड अप इतना। और अब हम इसको मजीद कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें हम जॉइंट्स डाल देंगे, फिंगर पूरी बनाते हैं हम इसकी। इसको हम जितना चाहे लंबा उतना कर सकते हैं। एक्सट्रूड, ये एक जॉइंट आ गया, अब इसमें दूसरा जॉइंट यहाँ, और ई से ई जेड यहाँ पे, ये एक फिंगर हो गई हमारी। और अब हम इसी को करेंगे स्केल, और इसी में चेंजेस करेंगे, जैसे फिंगर थोड़ी सी आगे से पतली होती है, फिर लंबी होती है, पीछे से मोटी होती है, इस हिस्से को सेलेक्ट करके हम इसे करेंगे इसे करते हैं यहाँ से। यहाँ से इसे करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं स्केल अब। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैं एक तरफ से कर रहा हूँ, तो ये पूरा ही इफेक्ट हो रहा है, तो हमें इसके अंदर एक दो लूपर्स और डालने पड़ेंगे। इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, यहाँ पर डालते हैं लूप कट्स, कंट्रोल आर, यहाँ पर भी डालेंगे कंट्रोल आर, दो डालेंगे, अभी ये पूरी एक ही शेप है, इसलिए उस तरह अच्छी तरह इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम इसी को थोड़ा बेंड करके फिंगर्स बना लेंगे, वापस इसमें के इसको सेलेक्ट किया, इसको साइड व्यू में जी, और थोड़ा सा बाहर की तरफ जी वाय, थोड़ा सा यहाँ,
और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। और हम इसको प्रोपोर्शनल एडिटिंग से स्केल कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे ये दो फेसेस थे, असल में इसके ना एजेस अलग बन गए। इसके डिलीट करते हैं कुछ भी नहीं। अब इसको थोड़ा सा जी वाई करेंगे और इसको हमारा जॉइंट बना देंगे। अब हम इस पूरे को करेंगे आर, इसको भी हम करेंगे। पहले फेस सेलेक्ट में गए और इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा करेंगे और अभी इसको करेंगे इधर जी और यहाँ पे। ये उतना अच्छा लग तो नहीं रहा, लेकिन जब फिंगर बन जाएगा ये तब सही लगेगा। इसको स्केल डाउन कर लेते हैं, बाकी इसे को भी स्केल डाउन कर लेते हैं। अब थोड़ी सी सेटिंग और बची है, उसको करते हैं एक्सट्रैक्ट में जाके। इसको आर वाई एक्स थोड़ा सा यहाँ पे समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस जी और वाई, इसको थोड़ा करते हैं स्केल। अब ठीक है, हमारी फिंगर रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। अब हम इसको करेंगे इसके जेड एक्सिस पे लंबा। ये हमारी एक फिंगर रेडी, और अब हम इसके साथ अपना हैंड भी बनाएंगे। पहले इसको ले जाते हैं जी जेड नीचे, जी जेड आर वाई करते हैं 90, फिर आर वाई 90, जी जेड जी वाई यहाँ पे एस जेड
साइड व्यू में जाके इसको करते हैं डुप्लीकेट, शिफ्ट डी, और अब एक्स यहाँ पे अब इसको जी वाई नहीं एक्स पे थोड़ा करते हैं यहाँ पे, अब शिफ्ट डी वाई सॉरी एक्स पे यहाँ पे, और शिफ्ट इसको वाले एंटर शिफ्ट डी वाई और यहाँ पे जी वाई और एक्स। अब इन चारों को थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे राइट करते हैं, जी एक्स इसको थोड़ा जी वाई थोड़ी असली हैंड की तरह लगना चाहिए ये। ये हो गया और ये हो गया जी वाई थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। अब इस एक को डुप्लीकेट करते हैं शिफ्ट डी वाई और इसे आर जेड 90 और आर जेड 90 दो बार किया तो इसे ये रोटेट हुआ। अब इसको आर जेड एक्सिस पे हमने थोड़ा खुद ही रोटेट करना इस एक्सिस पे, और इसको थोड़ा करना है एक्स एक्सिस पे मोटा और एस और वाई एक्सिस पे मोटा। अब हमने अपनी फिंगर्स छोटी करनी है, बहुत बड़ी भी नहीं होती और बहुत छोटी भी नहीं होती। इसको एस जेड पे छोटा इतना इसे इतना इसे इतना ये अब हमारी रेडी हो गई फिंगर्स। अब हम बनाते हैं अपना हाथ। अब ये रैंडमली है, कोई ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, मैंने अपने अंदाजे से ही बनाया। इसको उठा के थोड़ा सा करते हैं जी जेड नीचे एंटर और अब जी वाई थोड़ा सा राइट, क्योंकि अंगूठे के थोड़ा करीब ही होता है हमारा। इसको थोड़ा छोटा और करते हैं, ज़्यादा भी नहीं इतना, और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये फिंगर्स हमारी अच्छी लग रही हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे एक स्क्वायर नहीं क्यूब, शिफ्ट ए हो गया क्यूब ऐड हो गया एस एक्स एक्सिस पे हो गया
एस वाई एक्सिस पर हो गया जी वाई, और आर भी यहाँ ही हो गया। इसमें अब हम लूप कट डाल सकते हैं, जी जेड हो गया थोड़ा सा, जी वाई इसको करते हैं जी वाई थोड़ा सा क्लोज, फिंगर्स को हाथ में रखेंगे, अब ठीक है। एक्स डिलीट, ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए रखा था, अभी हाथ में बनाऊंगा और वो बनेगा हमारा यूवी स्फीयर से, मैश यूवी स्फीयर। अब हमारी आई ना हाथ की बारी, एस जेड थोड़ा सा, एस एक्स एस वाई सॉरी, अब इसको हम करेंगे एडिट मोड में जाएंगे और ऑन करेंगे एक्सरे मोड, और हम इसमें ऐड करेंगे इसका पहले एक्स एक्सिस मिरर ऑन कर देते हैं, यानी कि अब मैं जो एक्स साइड पर ये एक साइड पर करूँगा वो उसके एक्स एक्सिस पे वही चीज़ होगी। अब मैंने जैसे कि साइड व्यू में मैं गया, अभी यहाँ पे ये सेलेक्ट किए और जी वाई जी एक्स किया, अब ये दूसरी साइड से भी वही होगा जो इस साइड से हो रहा है। अब मैं इस साइड पे जाता हूँ, और इस साइड से इसका हाथ क्लोज कर दूँ जी एक्स, जी एक्स थोड़ा करते हैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। ये हमारा हैंड किधर गया, इस साइड, इस साइड पे आए हम, ये पता नहीं किस जगह पे घुमाई जा रहा हूँ। एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं अभी हम, और हम करेंगे इनको अंदर अंदर के पूरा हैंड, पूरे हैंड की शेप देनी, तो हम सिर्फ इन वर्टिसेस को स्केल कर करके ऐसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इस साइड हूँ, एक्सरे मोड अब ऑन कर देते, पहले इस इनको करते हैं ऊपर जी वाई सॉरी जी एक्स सॉरी जेड, अब इसको जी जेड जी
इनको करते हैं ऊपर GZ। अब हम यहाँ से इसको इनको करेंगे स्केल अर्ध भाग, ये पूरी लाइन इसकी स्केल हो जाएगी। इसको इसको इसी तरह हम पूरे हाथ में यही करेंगे। तो हमारे कैरेक्टर के हैंड्स भी रेडी हो गए हैं। ये मैंने एक स्फीयर बना के उसको थोड़ा स्कर्ब कर दिया कि सही हैंड की शेप आए। तो मुझसे जैसा हुआ मैंने वैसा किया, अपनी पूरी कोशिश की बनाने में कि पहला कैरेक्टर बने हाथ से ही तो बने। तो जैसा का हाथ तो वैसे ही बना है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं। अभी मैं इतना प्रोफेशनल ही हुआ, बिगिनर ही हूँ अभी। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अब हम बनाते हैं अपना हेड, जो कि गर्दन बनेगी सिलेंडर से और हेड बनेगा स्फीयर से। ट्राई करते हैं। हम ऐड करेंगे एक सिलेंडर जो कि होगी हमारी नेक। इस साइड ये जी शिफ्ट ए, सिलेंडर साइड व्यू GYGX। को उठा के खुद ही यहाँ पे रख देते हैं। इसको करते हैं S। SZ और G से थोड़ा नीचे कर लेंगे। और हम अपनी फिंगर्स हैं उनको हम दे देंगे टेक्सचर। टेक्सचर नहीं दे देंगे, सॉरी, वो उन्हें दे देंगे शेड स्मूथ। और अब यहाँ वाली को भी ये सही है। अब हमारी फिंगर्स सही फिंगर्स लग रही हैं। पहले नहीं लग रही थी क्योंकि पहले उसमें मैश नजर आ रहा था। अभी हम इस सिलेंडर के साथ भी ऐसे ही करेंगे। टॉप व्यू में जाएंगे, एस एस और एक्स जी और एक्स यहाँ हो गया। इसको थोड़ा करेंगे Z शेड ऑटो स्मूथ, शेड ऑटो स्मूथ। और इसको हम करेंगे थोड़ा सा नीचे, या फिर अब हेड ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे शिफ्ट ए, आइकोस्फीयर, जी एस। एक बार यूवी स्फीयर भी ऐड कर देते हैं क्या अब तो उससे हो जाए आइकोस्फीयर, सॉरी।
जी, कोई इसको यहाँ पे रख देते हैं, और अब हम इसे एडजस्ट करते हैं, फेस बनाने की कोशिश करते हैं। फेस इसका, कान और बाल, ये सब वगैरह इसका बनेगा। इसको देते हैं Z। SY, सॉरी SX, ये अब हम इसको ले जाते हैं एडिट मोड के अंदर। इसमें जो है इसका साइड साइड व्यू गया, इसमें, और अब हम ये जो है इसको G और X करेंगे। R फॉर रोटेट, इसको यहाँ से करते हैं। ये मैंने रैंडमली कहीं से भी कर लिया था। करना ये था। अब इसको करेंगे GX R कंट्रोल जी, आई को स्पेस से नहीं होगा। इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं ऐड जी, और यहाँ पे इसे, यहाँ पे, यहाँ से इसको जी, थोड़ा सा वाई, सॉरी एक्स एक्सिस पे रोटेट करेंगे। जी वाई, यहाँ पे, और अब हम ट्राई करते हैं कि इससे बनता है हमारा फेस के नहीं। अब इसको सेट करते हैं एडिट मोड में के, इसे सेट किया, साइड व्यू में जाएंगे और जी प्रेस किया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया। इनको एक्सरे सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं पीछे, साइड व्यू में गए,
इसको की एस्पेक्ट। अब फिर साइड व्यू में जाएंगे जी और एक्स। ना 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 ना, इसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे कमेंट्स करेंगे ये शेप फेस इसका बनेगा कैसे। एक काम करते हैं कि सिलेंडर से बना के, सिलेंडर है सिलेंडर से बनेगा। हमने अपनी बॉडी को कर लिया टेक्सचर और अब सिर्फ हेड रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बिल्कुल बना दूंगा। और इसका टेक्सचर हमने भी कर दिया है और इसको मैंने पेरेंट किया, ज्वाइन ही किया, जैसा कि यहाँ से देख पा रहे हैं आर फॉर रोटेट। इसको अब मैंने इसके साथ किया तो ये पेरेंट है, ये वाला इसके साथ पेरेंट है। तो अगर इतना मॉडल अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हेड बना दूंगा तो उसे टेक्सचर करके आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।